साईं मंदिर के सामने नगर निगम की पार्किंग में मल्टी लेवल पार्किंग का होगा निर्माण। दुकानों के साथ कई लेवल में होगी पार्किंग। कोठी कंपाउंड क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। फुटपाथ व्यापारियों सहित ठेला व्यापारियों को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि कोठी कंपाउंड के साईं मंदिर से लेकर न्यायालय तक निरंतर लग रहे जाम से निजात पाने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया, जहां यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिल्पी प्लाजा पार्किंग में अब मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसके शुरुआत जल्द की जाएगी। नगर निगम आयुक्त संजय सौरभ सोनवड़े ने बताया कि इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यालय आते हैं, लेकिन यहाँ निरंतर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे व्यवस्थित करने के लिए कोठी कंपाउंड क्षेत्र में फुटपाथ व्यापारी और ठेला व्यापारियों के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। यातायात प्रभावित होने की सबसे बड़ी वजह बेतरतीब खड़े सड़क पर वाहन हैं। उनको शिल्पी प्लाजा पार्किंग में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग के अंदर कई दुकानें बनाई जाएंगी, जो छोटे छोटे व्यापारियों को देखकर सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। कोठी कंपाउंड के अंदर फुटपाथ के ऊपर लगी फूलमाला की दुकानों को भी हटाया जाएगा, जिसमें लोगों के चलने की व्यवस्था बनाई जाएगी और सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग के अंदर भेजा जाएगा। आज नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कई ठेला व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुँचे, जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उनके लिए सुचारू व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इस बात की हिदायत दी गई है कि अब सड़क में किसी भी तरह का ठेला नहीं लगाया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है नगर निगम आयुक्त का। एक पार्किंग का नगर निगम से, वहाँ पर जो एक नगर निगम की पार्किंग है, उसका एक प्रस्ताव बन के उसकी डिज़ाइन फाइनल हम कर रहे हैं। तो एक नगर निगम से मल्टी लेवल पार्किंग वहाँ पर प्लान हो रही है, ताकि पूरे एरिया के लिए एक बड़ी पार्किंग मिल पाए और जो रोड साइड हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वो पूरे की पूरी गाड़ियाँ हम एक टेंडर के जरिए विधिवत उसका संचालन किया जाएगा और उसकी पार्किंग की व्यवस्थित जगह हम उपलब्ध कराएंगे। प्राइवेट गाड़ियों को भी जो मॉडिफाइड की गई है, उसकी सूचना भी हमने आरटीओ को दी है कि उनकी मॉडिफिकेशन एक बार चेक करें, क्योंकि ये अवैध रूप से संचालित ऐसी गाड़ियां हो रही है, तो अतिक्रमण अगर नहीं है तो किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के साथ हम उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक तो जगह अवेलेबल करवाना और दूसरी बात MIC में उसका प्रस्ताव भी गया था अभी टेंडर के लिए, तो MIC से जैसे ही हमारे अप्रूव हो जाता है वो टेंडर, तो हम टेंडर करा देंगे, ताकि विधिवत जिसका टेंडर होगा उसकी व्यवस्था रहेगी, वो बाहर पार्किंग नहीं है।